अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वेलकम बैक टू दानिश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी है फॉल्ट फोन फैमिली पर, जो है तो एक फैमिली की तरह नहीं लेकिन इनकी भी आपस में नहीं बनती, एक सास बहू की तरह। थ्री बेस्ट फॉल्ट फोन का आज हम अपनी वीडियो में जिक्र करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे और उनकी स्पेक्स के बारे में हम लोग मजीद बात करेंगे और एट द एंड आपके ओपिनियन के मुंतजर भी होंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जल्दी से टिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। थ्री बेस्ट फॉल्ट फोन जो 2021 में लॉन्च हुए हैं उसमें हवावी X2 है और शाओमी MI मिक्स फोल्ड है जो मार्च में लॉन्च हुआ था, और साथ ही गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है सैमसंग की तरफ से। जेड फोल्ड 3 की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, गो एंड वॉच इट। पहले हमें जान लें कि हवावी X2 फोल्ड फोन जो है वो 5G डिवाइस है, जबकि शाओमी फोल्ड फोन भी हमें 5G की डिवाइस देखने को मिलती है और नो डाउट Z Fold 3 भी 5G की डिवाइस ही है, तो 5G कनेक्टिविटी तो हमें तीनों फोल्ड फोन में देखने को मिलती है। लॉन्चिंग मंथ हवावी फोल्ड फोन की जो है वो फरवरी 2021 है, वाइल शाओमी फोल्ड रिलीज्ड मार्च 2021। ऑन अदर हैंड सैमसंग रिलीज्ड Z Fold 3 इन अगस्त 11, 2021। After that, talk about the body material. Huawei used glass on back or front side, and in the middle of device they used aluminium. While Xiaomi used glass on front side, which can be folded, and used plastic on front cover side, and Gorilla Glass 5 or ceramic on back side, which is protected by scratch or dust, and used kind of aluminium in the middle as well. Z Fold 3 put quality glass on front side which can be folded and put plastic on front cover display. As same like Huawei or Xiaomi, Samsung covered back side with quality Gorilla Glass wickers. Huawei or Xiaomi both are compatible for hybrid dual SIM, while Z Fold 3 compatible for nano or eSIM. डिस्प्ले का साइज 8.0 इंच है हवावी X2 का, और हवावी में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है जो फोल्डेड ओलेड डिस्प्ले है जिसकी रेजोल्यूशन 2200x2480 पिक्सल विथ 413 PPI और कवर डिस्प्ले भी काफी कमाल का है, विच इज ओलेड डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज एज वेल, और कवर डिस्प्ले का साइज भी आपका 6.4 इंच है विच है क्वालिटी रेजोल्यूशन 1160x2700 पिक्सल। अब Xiaomi पर जंप करें तो फोल्डेड AMOLED डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज और आल्सो हैव HDR 10 प्लस स्क्रीन। साइज ऑफ Xiaomi MI मिक्स डिस्प्ले इज 8.01 इंच विच रेजोल्यूशन इज 1860x2480 पिक्सल एंड 387 PPI डेंसिटी। फॉर कवर वी गेट AMOLED डिस्प्ले विच हैव 90 हर्ट्ज एंड आल्सो HDR 10 प्लस स्क्रीन। Cover size of mixed fold phone is 6.52 inch, which have 840x2520 pixel resolution. Time to move on Z Fold 3, where we get foldable dynamic AMOLED 2X display, but this time we get bombastic 120Hz refresh rate or HDR10 Plus, which is advanced improved version of HDR10 that enhance the color and contrast of media. Z Fold 3 have 7.6 inch display which have amazing resolution 1768x2208 pixels and 372 PPI as well. कवर डिस्प्ले Z Fold 3 का सुपर AMOLED डिस्प्ले होगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो होगा ही, साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स डिस्प्ले होगा जो गोरिल्ला ग्लास की एक टाइप ही है। 6.2 इंच का कवर डिस्प्ले और इसकी रेजोल्यूशन जो है 816x2268 पिक्सल्स है। अब बात करते हैं कुछ कैमरास पर। कैमरा सेटअप में जो कैमरा रिजल्ट है काफ़ी कंपटीशन है, क्योंकि हवावी में हमें बैक कैमरा फोल्ड लेंस के साथ देखने को मिलता है जिसमें टॉप पर जो लेंस है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मौजूद है जिसकी 1.22 माइक्रोमीटर PDAF भी मौजूद है, लेजर ऑटोफोकस भी है और OISD मौजूद है इस लेंस में। बट ये सब है क्या, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ तो हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड लेंस हमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है टेलीफोटो लेंस जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, और लास्ट लेंस जो है वो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसमें आपको ऑटोफोकस
HDR, Leica Optics और 4K की वीडियो शूट करना, ये सब कुछ आपको इस लेंस से मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको Huawei X2 में 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसकी अपर्चर f2.2 है। HDR और पैनोरामा जैसे फीचर भी इसमें अवेलेबल हैं। आप 1080 पिक्सल 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो काफी फुल HD प्रोवाइड करता है। अब Xiaomi भी कुछ कम नहीं है भाई, हमें 3 लेंस देखने को मिलते हैं। एंड टॉप ऑफ लेंस इज 108 मेगापिक्सल वाइड लेंस कैमरा विच हैव डुअल पिक्सल PDAF। इन द मिडल ऑफ बैक कैमरा सेटअप वी गॉट 8 मेगापिक्सल लेंस विच इज टेलीफोटो कैमरा। इट हैव 3x ऑप्टिकल जूम और PDAF। The last lens of Xiaomi Fold phone have 13 megapixel camera which aperture is f2.4. Aperture means it sets the brightness or light of your picture and we expressed by letter F. काफी दफा इसका भी जिक्र हो रहा था, मैंने ऑलरेडी पहले अपनी काफी वीडियो में बता चुका हूं, बट अभी इसका डबल जिक्र हुआ तो मैंने कहा आपको रिमाइंड कराऊं कि अपर्चर है क्या बेसिकली। दोबारा से, यू कैन शूट द वीडियो ऑफ 8K विद 24 टू 30 fps और 4K विद 30 टू 60 fps। आफ्टर दैट we have front camera which is compatible for 20 megapixel wide lens HDR panorama or the resolution of video which you can record is 1080 pixel with option of 30 to 60 fps or also you can record the video with 720 pixel with 120 fps. so plenty of options we got in camera of Xiaomi Mi Mix Fold. time for Z Fold 3 which have quality 3 lens on back side camera. 12 megapixel wide lens is the top lens which is 12 pixel PDAF OIS as well. Also 12 megapixel is the second lens which is telephoto camera which have sensational aperture 2.4 PDAF OIS 2x optical zoom. All feature are we got in Z Fold 3 back camera setup. And in last again we got 12 megapixel ultra wide lens back camera, also compatible for 4K video recorder with 60 fps, and for 1080 pixels we have option of fps 60 to 240. Z Fold 3 have 4 megapixel wide lens front camera which will be under display, and on cover side 10 megapixel selfie camera. साउंड स्पीकर हमें Huawei X2 में स्टीरियो के मिले हैं और Xiaomi में भी हमें स्टीरियो के स्पीकर मिले हैं विच इज ट्यून्ड बाय हार्मन कार्डन, और Z Fold 3 में भी स्टीरियो स्पीकर ही हैं विच इज ट्यून्ड बाय AKG एंड आल्सो बाय Dolby Atmos टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर पर भी गौर करें तो Huawei X2 में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो 2021 में लॉन्च हुआ Android 10 दिया गया है, Kyron 9000 5G की चिपसेट इस मोबाइल में दी गई है। और एक चीज जो हम में से काफी लोगों को पता है बट फिर भी मैं बताता चलूं कि Google Play की सर्विसेज हमें Huawei फोन्स में नहीं देखने को मिलती, तो इसमें भी Huawei ने अपनी खुद की सर्विसेज दी हैं। For Xiaomi, we got Android 10 also and Qualcomm Snapdragon 888 5G chipset processor 5nm. For Z Fold 3, Samsung puts the same Snapdragon 888 5G 5nm processor, and we got the latest software of Android 11 which is launched recently. For memory category, we got two model in Huawei X2 which is 256GB with 8GB RAM and 512GB with 8GB RAM, and Xiaomi have three model which is 256GB with 12GB RAM and 512GB with 12GB RAM, or the last 512GB with 16GB RAM. On other hand, Z Fold 3 only have two model which is different storage, 256GB with 12GB and 512GB with 16GB. In last, battery is very important for every user. Now everyone wants long and more capacity of battery. Well, Huawei puts 4500 mAh battery capacity in X2 Fold, and we also get fast charging 55 watt adapter, while Xiaomi puts long mAh battery 5020 mAh, which is really good at this time. Fast charging adapter 67 watt which makes battery full 100% in just 37 minutes, which is really amazing. And Z Fold 3 have 4400 mAh battery with fast charging 25 watt and also fast wireless charging 11 watt and reverse wireless charging 4 watt. So indeed Samsung have more feature of battery, but Xiaomi put their glass regarding battery capacity
इट्स मच बेटर देन हवावी एंड सैमसंग इन फोल्ड फोन सीरीज। अच्छा तो ये बताना जरूरी था कि हवावी मेट एक्स टू और शाओमी एम आई मिक्स फोल्ड फोन जो है बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है एज पर हवावी और शाओमी, क्योंकि किसी भी तरह की आईपी रेटिंग के साथ ये लॉन्च नहीं हुए। और वही जेड फोल्ड 3 IPX8 वाटर रेजिस्टेंट है, इट मीन्स यू कैन जेड फोल्ड 3 यूज अंडर वाटर 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स। प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है हवावी मेट एक्स की, जिसमें 2300 यूरो तक की प्राइस हमें देखने को मिलती है, जो कि अराउंड 2700 यूएसडी डॉलर तक बनती है। मतलब हवावी ने फुल कोशिश की है कि भाई तुम लेकर दिखाओ, बस तुम लो तो सही, बस तुम लोगे तो हम महंगी रखेंगे, इतनी महंगी करेंगे भाई तुम ले नहीं सकते। लेकिन शाओमी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है शाओमी एम आई फोल्ड फोन पर, इसलिए 1300 यूरो तक की जो हमें प्राइस देखने को मिलती है, विच मेक्स अराउंड 1500 यूएसडी, विच इज़ नॉट बैड। Z Fold 3 की प्राइस भी 1500 यूरो तक मिलती है, विच इज अराउंड 1800 यूएसडी डॉलर। जाते जाते आपको कलर भी बताते चले, जिसमें हवावी X2 जो हमें है ब्लैक, व्हाइट, लाइट ब्लू और रोज गोल्ड, ये चार डिफरेंट और बड़े ब्यूटीफुल कलर्स में हमें देखने को मिलता है, जबकि Xiaomi Mi Mix Fold फोन जो है वो हमें सिर्फ ब्लैक जो सिरेमिक है उस कलर में देखने को मिलता है। Z Fold 3 जो है वो हमें फैंटम ब्लैक, फैंटम सिल्वर और फैंटम ग्रीन के साथ मिलता है। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल फोल्ड फोन्स। Now it's time to say which one is on top. In my opinion, Z Fold 3 is on top just because of dynamic 2x AMOLED display with 120Hz refresh rate, where Xiaomi and Huawei have 90Hz refresh rate, and also one of reason we saw Android 11 latest software, and last reason, yes, Samsung Z Fold 3 have less battery capacity than Huawei and Xiaomi, but it also have a more feature like fast wireless charging or reverse wireless charging. So overall, Z Fold 3 is bit better than Xiaomi. Xiaomi is because it is much better than Huawei, their price, because of battery capacity, fast charging, 67W. So it's time to say bye. Let me know your thought in comment section. Share your opinion, which one is better of all. I hope you like the video. Give it a big thumbs up. I will be touch with you in the next one. Take care. Bye-bye.